नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मनमानी रोकने के लिए पलट लिया गेम। जी हां, मोदी सरकार ने तेल की आक्रामक कूटनीति को लेकर सौदागरों की मनमानी रोकने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। विदेश नीति में कूटनीति सबसे अहम होती है। अपने हितों को साधने के लिए वक्त और जरूरत के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल खरीदता है और देने वाले देशों के संगठन को ओपेक कहते हैं। इसमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे ज्यादातर मुस्लिम देश शामिल हैं। एक समय तेल बेचने वाले देशों के समूह तेल के सौदागरों से भारत 90% तेल खरीदता था, लेकिन ये देश कीमतों को लेकर मनमानी करने लगे। भारत ने पिछले एक साल में आक्रामक कूटनीति पर काम किया, ओपेक देखता रह गया। दरअसल 60 साल से इस ग्रुप का वैश्विक तेल पर दबदबा रहा है। एक समय ओपेक ने कुछ देशों को तेल देने से ही मना कर दिया था। शिपमेंट रुके, तेल के उत्पादन में कटौती हुई तो दाम आसमान छूने लगे। एक खेल आगे भी चलता रहा। तेल के खेल से अपने देश को बचाने के लिए दुनिया भर में तेल भंडार बनाए गए। 1990 के दशक से सऊदी अरब ओपेक का लीडर है। ये देश अपने हिसाब से उत्पादन घटाने का फैसला लेता रहता है। ओपेक के 13 और प्लस समूह के 10 देशों के समूह ओपेक प्लस ने कुछ महीने पहले तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया। ओपेक का अगुवा सऊदी तो ओपेक प्लस की अगुवाई रूस करता है। ओपेक को भले ही व्यापारी समझा जाए, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी छिपी रहती है। भारत करीब 50 लाख बैरल तेल रोज इस्तेमाल करता है। पिछले महीने ही ओपेक प्लस समूह ने अचानक तेल उत्पादन में रोज 16 लाख बैरल तेल की कटौती का ऐलान किया। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है, ऐसे फैसलों का असर होना लाजमी है, लेकिन मोदी सरकार ने धीरे धीरे इसका विकल्प ढूंढ लिया। जी हाँ, ओपेक का जब मन करता है वह उत्पादन रोककर तेल के रेट बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि आज के दौर में स्वच्छ ऊर्जा की मांग के चलते सऊदी अरब के अगुवाई वाले इस ग्रुप की अहमियत घट गई। सबसे बड़ी बात है कि तेल के लिए इस समूह पर भारत की निर्भरता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। जी हाँ, 90% से घटाकर अप्रैल में भारत ने ओपेक से अपनी जरूरत का मात्र 46% तेल खरीदा। वैसे सऊदी अरब से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन वह अमेरिका के प्रभाव में रहता है। जब से यूक्रेन संकट पैदा हुआ, अमेरिका ने भारत को रूस के खिलाफ बोलने या कहिए खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार अपने रुख पर अड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि यह समय युद्ध का नहीं, लेकिन कभी भी भारत ने अमेरिका की हम हां नहीं मिलाई। उल्टे मोदी सरकार अपने भरोसेमंद सदाबहार दोस्त रूस से ज्यादा तेल खरीदने लगी। पश्चिमी मीडिया ने भारत सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश की, तो मोदी सरकार के मिसाइल मिनिस्टर जयशंकर ने अपने आंकड़े से यूरोप और अमेरिका की बोलती बंद करा दी। भारतीयों के हितों की बात करते हुए जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि हम एक देश से तेल नहीं खरीदते, कई देशों से तेल लेते हैं। ऐसे में जहां से सबसे अच्छी कीमत मिलेगी भारत वहीं से खरीदेगा। भारत के तेल आयात में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की हिस्सेदारी सार्वकालिक निचले स्तर पर आ गई है। यह मोदी सरकार की कूटनीति को दर्शाता है। ओपेक से तेल का हिस्सा घट रहा है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पिछले एक साल में काफी बढ़ा दी। ओपेक की भारत के कच्चे तेल के आयात में अप्रैल 2022 से 72% हिस्सेदारी थी, लेकिन एक साल बाद अप्रैल 2023 का आंकड़ा देखिए तो यह 46% पर आ गया। पिछले साल यूक्रेन संकट के समय से ही रूसी कच्चा तेल भारत को रियायती दाम पर मिल रहा है। ऐसे में रूसी तेल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। रिफाइनरियों में कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है। भारत के कुल तेल आयात में लगातार 7वें महीने रूस की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा रही। और गौर करने वाली बात यह है कि रूस से आयात अब इराक और सऊदी अरब से कुल खरीद से ज्यादा हो चुका है, जबकि पिछले दशक में ये देश भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्ति करता थे। यह बात अपने आप में मोदी सरकार के बदले रुख को स्पष्ट करती है। भारत आज के समय में किसी एक देश या समूह की दया पर आश्रित नहीं रहना चाहता। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत की तेल खरीद में एक हिस्सा रूस 1% से भी कम हुआ करता था। इस साल अप्रैल में भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा बढ़कर 36% हो गया। भारत ने अप्रैल में कुल 46 लाख बैरल रोज कच्चे तेल का आयात किया। इनमें ओपेक का हिस्सा 21 लाख बैरल ही था। पहले ढुलाई का खर्च ज्यादा होने से भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल कभी कभार खरीदती थी, लेकिन यूक्रेन संकट के बाद बदली परिस्थितियों में भारत और रूस के बीच करीबी बढ़ी। रूस ने रियायती रेट पर कच्चे तेल का ऑफर दिया, जिसे भारत का फायदा हो रहा है।
ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।